students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. तो मोल कंसेप्ट के साथ ही एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज मास परसेंटेज एंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और देखिए, बहुत सारे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग एलिमेंट की कॉम्पोजिशन दी होती है. तो एक्चुअली वो कॉम्पोजिशन कहाँ से आती है, लेट्स सी दैट. मास परसेंटेज, इट इज द मास ऑफ ईच कंपोनेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मास. क्या मतलब है इस बात का? मतलब मास परसेंट किसके बराबर होगा? मास ऑफ एन एलिमेंट इन वन मोल कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100. मैं एग्जांपल लेती हूं एक. कैलक्यूलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज. ठीक है, अब आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. ठीक है, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास C6H12O6 इट इज 180 ग्राम्स. ठीक है, और C6H12O6 ओके. अब देखिए, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है. ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, क्योंकि यहां आपने लिखा ना मास ऑफ एन एलिमेंट इन वन मोल कंपाउंड. ये वन मोल कंपाउंड, उसके अंदर हमने देखना इसका कितना मास प्रेजेंट है. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, और यहां पे कार्बन कितने प्रेजेंट हैं? 6. हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं? 12. ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं? 6. ठीक है, तो यहां पे एटॉमिक मास कार्बन का है 12. देयरफॉर गिवन मास ऑफ कार्बन कितना आ गया? 12 × 6 = 72. तो अब कार्बन की परसेंटेज किसके बराबर होगी? परसेंटेज ऑफ कार्बन इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ कार्बन इन वन मोल कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. तो कितना रहा? 72 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100. जीरो के साथ जीरो कैंसिल. 2 9 3 3 9 3 2 6 3 4 12 3 8, तो ये आया 40%. तो कार्बन है इसके अंदर 40%. लेट्स सी हाइड्रोजन. अब यहां पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 12 × 1 = 12. तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगी? मास ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, सेम वही फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा. ये है 12, टोटल है 180 × 100. ये इसके साथ कैंसिल. 2 5 2 9 3 4 3 3, तो ये आ गया 5 4 20 20 by 3 3 6 18 फिर 2 3 6 6.6666 चलता जाएगा, तो मैं इसको 6 7 कर देती हूँ. तो हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई 6.67. अब बची ऑक्सीजन, तो यहां देखें मास ऑफ ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन है यहां पे? 6, तो इट विल बी 12 × 6 = 72 ग्राम्स. ठीक है, नहीं 6 × 2 = 12 ओके. ऑक्सीजन इज 16, तो ये आया 6 × 36 = 396 ग्राम. तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर? ऑक्सीजन का मास कितना है? 96 डिवाइडेड बाय 180 × 100. ये कैंसिल. 3 3 9 3 2 6 3 6 18. नाउ 2 3 2 5, तो बस इतना ही जाएगा. 5 2 10 5 3 15 + 1 160 हो गया. 3 5 5 2 10 1 ओके.
डिवाइडेड बाय 3, तो दिस इज 3 फाइव जा 15, 1 कैरी, ये हो गया 10, 3 थ्री जा 9, 3 थ्री जा 9, तो ये रही परसेंटेज किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये तीनों परसेंटेज आप ऐड करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 100%। तो आपने देखा किसी भी कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, ये रहा वन मोल, वन मोल का मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया, ठीक है, दिस इज वन मोल। अब एक मोल के अंदर कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो टोटल कितने हैं 6, तो गिवन मास कितना हो गया 12 × 6, तो मास ऑफ कार्बन इन वन मोल कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, तो आपने इसको सॉल्व किया, इट कम्स आउट टू बी 40%। सेम तरीके से हाइड्रोजन का मास है 12 और पूरे कंपाउंड का मास है 180 इंटू 100, ऑक्सीजन है 16 × 6 = 96 अपॉन 180 इंटू 100। इस तरीके से आप किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताती हूँ, तो देखिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन कॉपर सल्फेट, और आपको पता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4.5H2O, मुझे हर कंपोनेंट की परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए। तरीका फिर से वही है, ये रहा कंपाउंड हमारे पास, तो सबसे पहला स्टेप, इसका मतलब ये क्या है, वन मोल, ओके। अब इसका मोलर मास एक है कॉपर 63.5, एक है सल्फर 32, अब देखिए ऑक्सीजन कितनी है 4, 16 × 4 प्लस, यहां तक खत्म, आगे है 5 वाटर, 5, एक वाटर का कितना होता है 18, तो ये आ गया 63.5 प्लस 32 प्लस 16 × 4 = 64 प्लस 90, और ये आ गया 249.5 ग्राम। तो कॉपर सल्फेट वन मोल का मॉलिक्यूलर मास आ गया 249.5। अब अलग अलग कंपोनेंट कौन कौन सा है, CuSO4 5H2O, ओके। अब देखिए इसके अंदर एलिमेंट्स, एक है कॉपर, एक है सल्फर, कॉपर है, सल्फर है, फिर क्या है ऑक्सीजन, और फिर क्या है हाइड्रोजन, देखिए चार ही हैं, 1, 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कॉपर का, कॉपर कितने प्रेजेंट है इसमें 1, ठीक है, और कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 ग्राम। अब यहां पे कॉपर एक ही है तो जो एटॉमिक मास है वही हमारा गिवन मास होगा, देयरफॉर गिवन मास भी क्या है 63.5 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर किसके बराबर, गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड इट विल कम आउट टू बी 5.45। डेसिमल के साथ आप डेसिमल हटा दीजिए यहां से, और फिर आपको सॉल्व करना है 635 अपॉन 2495 इंटू 100, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 25.45%। अब आ रही आई सल्फर की, सल्फर भी एक ही है इसमें, तो इसका एटॉमिक मास 32 और गिवन मास भी क्या हुआ 32, तो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर किसके बराबर, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूल का जो मास था दैट वाज 249.5 × 100, और इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटा के आप ऊपर लगा लीजिए, ये बन गया 320 × 100 अपॉन 2495, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट 12.82%। तो ये रही कॉपर की, ये वैल्यू रही सल्फर की। अब देखो ऑक्सीजन जिसके अंदर कितनी है 4, और एक वाटर में है, एक तो 5 में कितनी होगी 5, तो 4 + 5 = 9, तो इसका
एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, तो गिवन मास कितना हो जाएगा 16 × 9। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 144 डिवाइडेड बाय 249.5 × 100, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 57.77%। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन। अब बचा हमारे पास हाइड्रोजन। अब देखो टोटल हाइड्रोजन्स कितने हैं हमारे पास, इधर दिखाइए। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है 2, तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 5, तो 5 × 2 = 10 हाइड्रोजन्स हैं। 10 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो गिवन मास कितना हो गया 1 × 10 = 10 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगी, 10 upon 249.5 × 100। ये डेसिमल भी हटाया, 10 ऊपर चला जाएगा, एक जीरो और ऊपर चली जाएगी, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे तो ये बन जाएगा 100 × 100 upon 249.5, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 4.01%। ये रही हाइड्रोजन की परसेंटेज। तो इस तरीके से आपने देखा, फॉर्मूला कोई भी हो, हमारा काम क्या होगा, इस फॉर्मूले का पहले मास निकाल लीजिए। दिस इज 1 मोल, आपने इसका मोलर मास निकाल लिया। क्योंकि हर बार हमें क्या करना है, जिस एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है वो एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, 1, तो उतना ही मास रहा डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। सल्फर भी 1 ही था, ऑक्सीजन देखिए 4 और 5 इसमें थी वाटर में, तो 4 + 5 = 9। 9 को फिर इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स गिवन मास। तो जो मास बना डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 100, सिमिलर इज द केस विद हाइड्रोजन। अब अगर आपके पास होता CuFeS2, इसमें आपको निकालनी है कॉपर की वैल्यू, आयरन की वैल्यू और सल्फर की वैल्यू, तो पहले इसका मोलर मास निकाल लीजिए। कॉपर 1 है, आयरन 1 है, सल्फर 2 है, तो कॉपर का मास डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, आयरन का मास डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100। कॉपर का आपको पता है एटॉमिक मास 63.5, 56 एंड 32, और ये 32 × 2 हो जाएगा टोटल निकालने के लिए। तो कोई भी फॉर्मूला आपको दिया गया हो, आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपने इनकी वैल्यूज निकाल के मेरे को भेजनी है, ठीक है। तो इसको इसके बीच में हम मैस ना करें, इसको अलग से मैं आप लोगों को भेज दूंगी न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, क्योंकि जो अगला कंसेप्ट है उसमें मैं उसको डायरेक्ट यूज करूंगी कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये है हमारे पास और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाइए या एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाइए। अब देखिए केमिकल फॉर्मूला, आप सभी को पता है, 10th में आप लोग पढ़कर आए हो। केमिकल फॉर्मूला मींस जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट हैं, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला दो तरह का है, एक है एम्पिरिकल फॉर्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों में फर्क क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर एलिमेंट्स आर शोन टू हैव सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर क्या होगा, वो होल नंबर रेशियो नहीं होगी, दैट विल गिव एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। इट गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जांपल देखिए, आप सबको पता हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, H2O2। लेकिन अगर मुझे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो इसकी कंपोजिशन कितनी है, 2:2 कितनी आ गई, 1:1, एक H और एक ऑक्सीजन। तो इधर देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, HO, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O2, राइट। सिमिलरली अब मैं इसके कॉमन में लिखने लगी बेंजीन, इधर एम्पिरिकल फॉर्मूला और इधर मॉलिक्यूलर। बेंजीन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6।
तो एम्पिरिकल क्या बन जाएगा, ये थी एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल सेकेंड, बेंजीन का क्या बन जाएगा, C6H6, तो दिस इज 6:6, 1:1, तो क्या बन गया CH। इसी तरीके से देखें ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 मीन्स 6:12:6, 1:2:1, तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बना फिर सी पार्ट CH2O। ठीक है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला का मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और मॉलिकुलर फॉर्मूला का मतलब उसकी एक्चुअल रेशियो। ये मैंने आपको रेशियो निकाल के बताई इसके साथ साथ कि ये एक्चुअल रेशियो और ये उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ओके, एक और देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। अब देखो इसकी रेशियो 12:22:11। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो जो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है वही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि जो इधर है वो इधर नहीं हो सकता, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि जब सिंपलेस्ट रेशो के अंदर आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो इसको इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक दो फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। मॉलिकुलर फॉर्मूला, इसको निकालना है या एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालना है, ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एन क्या है, एन हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, इट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। या तो आपको मोलर मास डायरेक्ट गिवन होगा, ठीक है, गिवन नहीं होगा देन यू विल बी गिवन वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी आपको गिवन होगी, और वेपर डेंसिटी से आप मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। तो इन दो तीन फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोग मॉलिक्यूलर या एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो उसको कैलकुलेट करेंगे। लिखा है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन एंड 7.6% हाइड्रोजन। डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो आपको गिवन है मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम। ठीक है, और साथ में आपको क्या गिवन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो अभी देखिए जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो एक टेबुलेशन में होगा। एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, फिर आपको गिवन है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एलिमेंट की परसेंटेज आपको गिवन है। तो देखिए जरा, कार्बन दिया है 92.4% और हाइड्रोजन गिवन है 7.6%। ओके, अब एटॉमिक मास, जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। तो नेक्स्ट स्टेप हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो गिवन मास 92.4 डिवाइडेड बाय 12, गिवन मास 7.6 डिवाइडेड बाय 1। तो 12 7 84, 7.7, और ये आ गया 7.6, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अगले स्टेप में हम निकालेंगे एटॉमिक रेशियो, और एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगी, आपने इसमें तो चलो वैल्यूज ही दो हैं, दो से ज्यादा भी हो, जो सबसे वैल्यू छोटी होगी उससे सबको डिवाइड करना है। तो 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6, और 7.6 को अपनी ही वैल्यू से 7.6, ये आया 1, ये आया 1। अब देखिए, अगर यहां होता 1.5
तो मुझे सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता क्योंकि मुझे चाहिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो। तो अब क्योंकि यहां पे राउंडेड वैल्यू है, 1 है 1 है, तो ये भी कितना आया 1 एंड 1। अब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हमें क्या देती है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बन गया? CH, CB1, HB1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया CH। अगर आपसे पूछा जाता कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो तो आप सिर्फ इतना लिख के खत्म कर देते, लेकिन पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, फिर हम निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। सी का 12, हाइड्रोजन का 1, इट इज 13। अब मुझे निकालना है एन। एन किसके बराबर होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो ये आया हमारे पास, मोलर मास है 78 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आया 13। तो 13 6 78, तो एन आ गया 6। अब आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होता है? एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एन है 6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH, तो क्या बना? C6H6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना हमारे पास C6H6। फिर से देखिए, सबसे पहला स्टेप, एलिमेंट लिख लीजिए कौन कौन से हैं, उनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन दी है। अगले स्टेप में आप उन एलिमेंट्स का लिखेंगे एटॉमिक नंबर। ओके, फिर आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। फिर आप निकालते हो एटॉमिक रेशो, और एटॉमिक रेशो किसके बराबर होती है? जो वैल्यू सबसे छोटी है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो ये आ गई एटॉमिक रेशो, और ये सिंपलेस्ट रेशो 1 और 1। तो ये बन गया हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया हमने, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया 13। फिर आपको एन निकालना है, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। फिर एन निकाल लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, इट इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एन की वैल्यू पुट करी, एम्पिरिकल फॉर्मूला की वैल्यू पुट करी, और ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। एंड आपको पता है C6H6 क्या होता है? दिस इज बेंजीन। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं, फोकस हियर। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग कंपोजिशन। क्या कंपोजिशन दी उसने? कार्बन है 57.8%, हाइड्रोजन है 3.6%, एंड इट सेज रेस्ट इज ऑक्सीजन। इस परसेंटेज के अलावा जो बचा वो क्या है, उसमें कौन सा एलिमेंट है? दैट इज ऑक्सीजन। द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 83। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब उसने मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, उसने आपको वेपर डेंसिटी दे दी। तो तरीका हमारा वही रहेगा, सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट। अब देखो इसमें एलिमेंट कौन कौन प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ओके, अब अगले स्टेप में हम क्या लिखते हैं? परसेंटेज। कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.6% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। का मतलब टोटल अगर 100 है तो 100 में से इन दोनों का टोटल मुझे माइनस करना है, 57.8 प्लस 3.6, तो 100 में से इसको माइनस करके हमारे पास आया 38.6%। अगला स्टेप एटॉमिक मास। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। नेक्स्ट स्टेप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब इसको डिवाइड किया हमने 57.8 डिवाइडेड बाय 12, तो इट कम्स आउट टू बी 4.82 एंड दिस इज 3.6, 16 2 32, एंड दिस इज नियरली 2.41। ये आगे नंबर ऑफ मोल्स। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? एटॉमिक रेशो।
अब आपको याद होगा एटॉमिक रेशो हम कैसे निकालेंगे, इन तीनों नंबर ऑफ मोल्स में से जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे सबको डिवाइड कर दो। तो सबसे कम कौन से हैं, 2.41, इससे डिवाइड कर दीजिए, 4.82 अपॉन 2.41, 3.6 अपॉन 2.41, 2.41 अपॉन 2.41, ये आया 1, ये आया 2, कैंसिल हो गया एंड इट कम्स आउट टू बी 1.49। ठीक है, अब ये है 2, ये है 1.49, तो मैं इसको नियरली लिख लेती हूं 1.5, ये है 1। अब मुझे चाहिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब मैंने आपको उधर बताया था ना, ये है 1.5, ये है 2 और ये है 1। मुझे चाहिए सिंपलेस्ट और होल नंबर, कैसे करूं, मुझे अगर इसको राउंड ऑफ करना हो, इसको बिल्कुल होल नंबर वैल्यू में लाना हो, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी इसको, 2 से। इसको डबल कर दूंगी तो इट विल बिकम 3, लेकिन फिर अकेले इसको डबल नहीं करना है, बाकी सबको भी करना पड़ेगा। तो होल नंबर रेशियो बनाने के लिए ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो गए 2 के साथ, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 2। तो देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन कितने आए उधर, यहां देखिए 4, हाइड्रोजन कितने आए 3, ऑक्सीजन कितने आए 2। तो ये बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ओके, अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं, तो इट विल बी 12 × 4 प्लस 3 × 1 प्लस 16 × 2, तो ये आ गया 48 प्लस 3 × 32, तो 3 × 5 = 383। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया हमारे पास 83। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके, अब आपको गिवन क्या है, वेपर डेंसिटी, दैट इज ऑल्सो 83 गिवन है आपको वेपर डेंसिटी ऊपर स्टेटमेंट के अंदर। तो मोलर मास किसके बराबर होगा, मोलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी 2 × 83 जब मल्टीप्लाई किया तो इट इज 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, तो ये आ गया 166 ग्राम। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 83 ग्राम। नाउ n इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो कितना आया, मोलर मास 166, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 83 2 जा, तो n की वैल्यू आ गई 2। अब आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n × एम्पिरिकल फॉर्मूला, n आया 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना था C4H3O2, तो क्या बना 4 × 8 = 8, 3 × 6 = 6 एंड ऑक्सीजन 2 × 4, ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपने देखा इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें मोलर मास गिवन नहीं था, हमने क्या किया वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और तो वेपर डेंसिटी गिवन थी, हमने वेपर डेंसिटी को मोलर मास में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और बाकी टेबल हमारा सेम उसी तरीके से बनेगा, एलिमेंट परसेंटेज कॉम्पोजिशन फिर इनके एटॉमिक मास, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट किया एटॉमिक रेशियो के अंदर, जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स है उससे सबको डिवाइड कर दिया, और यहां आया 1.5 फ्रैक्शन में आया। इसको होल नंबर बनाने के लिए मुझे डबल करना पड़ेगा, सिर्फ इसको ही नहीं करेंगे हम, सबको डबल करेंगे, इसको भी और इसको भी, और हमारे पास आ गया 4, 3 और 2, ये बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मोलर मास हम वेपर डेंसिटी से निकाल चुके हैं, एन निकाल लिया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज, सोडियम 14.31, सल्फर 19.97, हाइड्रोजन 6.22 एंड ऑक्सीजन 69.5। वो कह रहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑन द एजम्पशन दैट
ऑल द हाइड्रोजन्स इन द कंपाउंड आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मोलिकुलर मास आपको गिवन है 322 और जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उन सभी का एटॉमिक मास भी गिवन है. अब ये जो लाइन पढ़ी ना आपने कि सारे के सारे हाइड्रोजन्स कैसे प्रेजेंट हैं, जैसे ये है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो दीज फाइव वाटर्स क्या है, दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो इस फॉर्मूला में भी जितने हाइड्रोजन्स आएंगे दे विल बी प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो यहां तक पहुंचने से पहले अभी पहले हमें उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. तो एज यूजुअल सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन प्रेजेंट है, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. अगले स्टेप में हम लिखते हैं परसेंटेज. सोडियम 14.31%, सल्फर 9.97%, हाइड्रोजन 6.22% एंड ऑक्सीजन इट इज 69.5%. ओके, सेकेंड स्टेप एटॉमिक मास. सोडियम 23, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16. और नेक्स्ट स्टेप नंबर ऑफ मोल्स. कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. और जब आप सोडियम 14.31 को 23 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.62. आप 9.97 को सल्फर 32 से डिवाइड करेंगे इट विल कम आउट 0.31. अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आप निकाल लीजिए और इसको 1 से किया 6.22. 16.5 इसको डिवाइड करेंगे 16 से तो इट विल कम आउट टू बी 4.34. ये आपने निकाल लिए नंबर ऑफ मोल्स. ये नंबर ऑफ मोल्स. अब नेक्स्ट एटॉमिक रेशियो. और एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है उससे सभी को डिवाइड करते हैं. अब इसमें सबसे लेस नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं, सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स 0.31, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो 0.62 डिवाइडेड बाय 0.31, 0.31 डिवाइडेड बाय 0.31, 6.22 डिवाइडेड बाय 0.31, 4.34 डिवाइडेड बाय 0.31. तो देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 31 टूज ये 2 आ गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल 1 आ गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल तो ये आ गया 31 टूज 60 और आगे लगेगा 0. ये आ गया 31 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 4.34 का बन गया 434 डिवाइडेड बाय 31 एंड 31 फोर्स. तो ये आ गया हमारे पास 4 का डेसिमल हटाया, इधर 3 का 0.31 का डेसिमल हटाया और कैंसिल होके ये आया हमारे पास. तो अब इनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, अब ये सारे के सारे होल नंबर में ही है होल नंबर रेशियो. तो दिस इज 2, 1, 20 एंड 40. तो देखें इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बना, चार एलिमेंट हैं सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सोडियम आए 2, सल्फर आए 1, हाइड्रोजन आए 20 और ऑक्सीजन आए 14. ठीक है, अगला स्टेप क्या करते हैं हम, इंपीरिकल फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड. 2 × 23, 1 सल्फर 32, 20 × 1 प्लस 16 × 14 एंड यू विल गेट 46 प्लस 32 प्लस 20 = 224 एंड इट विल कम आउट टू बी 322 ग्राम्स. दिस इज इंपीरिकल फॉर्मूला मास. और आपको मोलर मास गिवन है, गिवन मोलर मास
ऑफ कंपाउंड 322 ग्राम. तो n किसके बराबर होता है? मोलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास, 320 अपॉन 320 वन. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला. n आ गया वन. इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है? Na2S H20O14. तो फॉर्मूला क्या रहा? Na2S H20O14. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, ऑल हाइड्रोजन्स आर एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, तो देखिए हाइड्रोजन्स कितनी निकली हमारी, टोटल 20 हाइड्रोजन है 20. तो H2O ये मैंने लगा लिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन H2O. तो टोटल हाइड्रोजन्स हैं 10, ये हो गई 20, 20 पूरी हो गई. अब ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट थी? 14. 14 में से यहां कितनी आ गई? 10. बाकी कितनी बची? 4. तो यहां देखें Na2SO4. सोडियम दो थे, सल्फर एक थी. प्रॉब्लम किसकी थी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की. तो 20 में से 20 की 20 हाइड्रोजन एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन. तो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में 10 लग गई ऑक्सीजन, टोटल थी 14. 10 प्लस 4 14. तो ये बना हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो आपने देखा जो कॉम्पोजिशन आपको दी गई थी, सेम जैसे आपने पहले न्यूमेरिकल्स किए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड किया, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स. जो सबसे लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे सबको डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट एटॉमिक रेशियो. और ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है. देन उस रेशियो से बनता है एम्पिरिकल फॉर्मूला. फिर आपने कैलकुलेट किया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड. गिवन मास था आपको 322 ग्राम्स और वहां से निकाला आपने एन. एन लगाया और आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया. फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपकी डिमांड थी, दैट ऑल द हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आपने उसको फॉर्मूला उसका बना दिया. तो इस तरीके से हम परसेंटेज कंपोजिशन के न्यूमेरिकल्स करते हैं. होम असाइनमेंट में मैं आपको मोल कंसेप्ट और इसके साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, उनको कंप्लीट कीजिए एंड रिटर्न टू मी. तो बने रहिए अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे साथ. तब तक थैंक यू.